गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आई होप कि आपकी भी मॉर्निंग गुड हो। और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ग्रोइंग फैमिली का पार्ट बनिए। आज मैं बना रही हूँ आलू मूली की करी। हमारे यहाँ ये करी बहुत बनती है और बहुत स्वाद से इसे खाया भी जाता है। सभी लोग इस करी को बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपके भी किचन में आलू और मूली अवेलेबल हैं तो आप भी इजीली इसे बना सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे आलू मूली की करी को बनाने के लिए एक स्पेशल मूली का यूज़ किया जाता है, जो कि राउंड शेप में होती है, बिल्कुल शलजम जैसे। तो अभी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये सैलेड वाली लंबी मूली का ही यूज़ कर रही हूँ। आप भी ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी होती है। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, उसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसे भूनने के बाद फिर वही मसाले, हल्दी, नमक और धनिया डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब इसे ढक देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। यहाँ पे आलू और मूली को इस तरीके से हम क्रश करते हैं, इससे इसका टेस्ट और निखर के आता है। स्पेशली ये बट्टा मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये भारी है, इसीलिए आराम से क्रश हो जाएगा। मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें मूली और आलू जो कि हमने क्रश किए हुए थे वो इसमें डाल देंगे। अब हम रेडी करते हैं आटे का घोल। आटे का घोल मैं करी को गाढ़ा करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से चला के अब पानी डाल देंगे और इसे ढककर पकने देंगे। में मैं बना रही हूँ ये बथुआ की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी। तो अच्छे से मैंने बथुआ को वॉश कर लिया है और मैं इसे फटाफट से कट कर रही हूँ। आजकल हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है, तो यही सीज़न है जब हम खूब ये खा सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर आजकल हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ ही बनाती हूँ। बस अब तेल ले लिया है मेरी क्यूट सी कढ़ाई में और ये डाल दिया है मैंने चकिया, और अब मैं बथुआ जो कट करके रखे थे वो डाल रही हूँ। यहाँ पे करी भी हमारी उबल रही है, थोड़ा सा बथुआ रिड्यूस हो गया है तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसे ढक के पकने देंगे। अब ये रेडी है और हमारी करी भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसका टेक्स्चर, और देख के तो बहुत ही स्वाद लग रही है। आप चाहें तो इसमें धनिया के पत्ते बारीक काट के डाल सकते हैं। अब मैं फटाफट से मिशू के लिए एग बॉईल कर रही हूँ। चावल भी फटाफट से वॉश करके मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं। खाना सर्व कर दिया है, अब फटाफट से हम लंच कर लेते हैं। ये बटर मिल्क मैंने बनाया है, और कैसे बनाया है ये शॉर्ट में कभी शेयर करूंगी। कैसा है खाना? यम्मी। खाओ। मिशु यहाँ पे खेल कर रही है और मुझे कह रही है कि मैं भी खेलूं उसके साथ। तो पूरे रूम में यहाँ पे टॉयज फैले हुए हैं। ये मिशू का रूम ही है, तो मिशू कहती है मेरा रूम, तो माई रूम बोलती रहती है, तो इसीलिए उसी का रूम हो गया है। और अभी वो आपसे बात करना चाहती है। Hi,
तो वो ऐसे ही बात करती है, अभी स्टार्ट ही किया है उसने बोला, मतलब काफी टाइम से बोलने लगी है तो अभी सेंटेंस जोड़ रही है थोड़े थोड़े। पहले खाली वर्ड्स बोलती थी, कुछ कुछ वर्ड्स उसको आते थे तो कुछ कुछ वर्ड्स बोलती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से पूरे पूरे सेंटेंस बोलने लगी है, मतलब कि जो उसे इजी लगते हैं और जो डेली उसके वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस होते हैं तो वो बोलती है। तो काफ़ी चीज़ें अब हमें अंडरस्टैंडेबल हो गई है, मतलब समझ में आ जाता है कि क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है, कुछ पूछो तो उसका जवाब देती है। यही है, मतलब ये एज है छोटे बच्चों का कि इस टाइम पे थोड़ा सा बोलना सीखते हैं और सेंटेंस बोलना सीख रहे हैं जोड़ जोड़ के थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लगता है। ये भी अलग फेज है उनका और काफ़ी इन्जॉयमेंट रहता है उनके साथ और वो भी इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा ये है कि खेलने के लिए वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मम्मा मम्मा खेलो मेरे साथ खेलो, दिन भर खेलते रहो, बस माई रूम में आओ, मम्मा चलो रूम और खेलो मेरे साथ, मेरे टॉय से खेलो। तो सारा दिन तो हम खेल नहीं सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा बहुत जितना हो सके हमसे हम खेलते हैं, बाकी और काम भी करने होते हैं तो। और हाँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब मीशो जो है हेल्प करने लगी है मम्मा की, जैसे कुछ मैं बोलती हूँ उसको तो कुछ सामान लाना है, उसे पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, ज़्यादातर चीज़ें उसको पता है, जैसे कि किचन में मुझे वो ज़्यादातर देखती है तो वहाँ पे उसको पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, क्योंकि जितना देर में खाना बनाती हूँ या बर्तन साफ कर रही हूँ या फिर और कुछ सफाई कर रही हूँ तो वो वहाँ पे खड़े होकर मुझे देखती रहती है कि क्या क्या कर रही है मम्मी, तो उसको पता रहता है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, मैं कहाँ से क्या निकाल रही हूँ। और उस बीच उसको थोड़ा सा इधर उधर देखना होता है कि इस कबर्ड में क्या रखा है, इस ड्रॉर में क्या रखा है, बर्तन कहाँ पे रखे हैं, तो ये सब चीज़ें उसको पता चल जाती है कि कहाँ पे क्या है। तो कभी मैं उसे बोलती हूँ कि लेके आ जाओ ये चीज़ और ये यहाँ पे रखा है, तो वो लेके आ जाती है। तो अच्छा लगता है कि हाँ, छोटे बच्चे अभी समझदार होने लगे हैं और हाथ बटाने लगे हैं, कुछ कुछ काम करने लगे हैं, तो ये भी अच्छा है। ये देखिए, अब मुझसे कह रही है कि मैं उसकी कार से खेलूं, तो वो दो गाड़ी है तो एक कह रही है कि आप पकड़ो और एक मैं पकड़ूंगी और दोनों चलाएंगे गाड़ी, तो अच्छा है, कभी कभी थोड़ा सा हमारा भी टाइम पास हो जाता है। हाँ, तो कह रही है कि फ्रेंड्स वहां रखो और हम लोग खेलेंगे, तो ठीक है आप इंजॉय कीजिए और हम लोग खेलते हैं। क्या कह रहे थे आप? आइस तो ओपन करो, अब बोलो। अब मैं बना रही हूँ नींबू पानी। गर्मियाँ आते ही ये सब ड्रिंक पीने का अलग ही क्रेज है और ये सब पीना अच्छा लगता है, थोड़ा बॉडी को भी ठंडक देता है, और क्योंकि हम चाय तो उतना नहीं पीते हैं इसीलिए ये सब ड्रिंक पीने में ही अच्छा लगता है और डाइजेशन भी इससे अच्छा हो जाता है। और ये फटाफट तैयार भी हो गया। उसके साथ थोड़ा खेलने के बाद मुझे भी नींद आ गई थी और उसको भी सुला दिया है, तो वो अभी सो रही है
और इसी बीच जैसे कि आपने देखा मैंने बनाया नींबू पानी, और अभी मैं उठ चुकी हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बालकनी। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सोच रही थी कि उसमें थोड़ा सा अब गार्डनिंग शुरू करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है जाड़ों में, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी तो इतना गार्डनिंग का काम नहीं कर पाई। और मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं, बस जो लगाया था वो लगा हुआ है, जो चल गया चल गया, बाकी जो ख़त्म हो गया है अब उसे थोड़ा सा चेंज करना है, नए फ्लावर्स लाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो बड़ी बालकनी तो दूसरी साइड है, ये है मेरी छोटी बालकनी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ गमले यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा पौधे सूखे हुए हैं और मिट्टी है, और उसमें ही मैंने कुछ ना कुछ लगाना है, क्योंकि अभी धूप आने लगी है बालकनी में, काफ़ी अच्छा हो गया है क्लाइमेट, धूप आने लगी है, तो अब कुछ ना कुछ मैं गार्डनिंग यहाँ पे कर सकती हूँ, किचन गार्डनिंग और छोटे मोटे फ्लावर्स में लगा सकती हूँ। तो इस तरीके से अभी धूप आ रही, ये मोप मैंने ऐसे ही रख दिया था यहाँ पे। ये देखिए ये मेरा बैंगन का पेड़ है, ये बहुत टाइम से ऐसा ही है, मैं इसमें पानी भी नहीं दे पाई और ये इस तरीके से अभी भी चल ही रहा है, और आई होप इसमें एक कली आई है। तो सोच रही हूँ कि इसकी थोड़ी केयर की जाए, पानी वानी दूंगी इसे, घास लगा हुआ है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गार्डनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरी बालकनी में काफ़ी कुछ गमले रखे हुए हैं, मिट्टी ज़्यादा है बट प्लांट्स नहीं हैं, कुछ जो भी था उसमें सूख चुका है, तो मैं इसे अरेंज करूँगी, टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक अलग व्लॉग बनाऊँगी जिसमें आपको मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ, और उसकी अपडेट भी देती रहूँगी कि क्या हाल है प्लांट्स के या जो भी मैं पौधे लगा रही हूँ उनके। और बड़ी बालकनी में काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, तो चलिए मैं आपको बड़ी वाली बालकनी भी दिखा देती हूँ, उसमें कुछ प्लांट्स अभी हैं और कुछ मुरझा चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी सारे प्लांट्स जो है ड्राई हो चुके हैं, एक्चुअली वो जो भी लगे हुए हैं वो कुछ गर्मियों के प्लांट्स भी थे, गर्मियों के फ्लावर्स भी थे, तो सीज़न ख़त्म होने के बाद वो ड्राई हो गए, और जाड़ों का मैंने ज़्यादा कुछ उसमें लगाया नहीं, ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लगाए, तो इसी वजह से थोड़ा सा बालकनी का शो बिगड़ चुका है। तो लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए थे, मैं घर से भी लेके आई थी, और बालकनी इतनी सुंदर लग रही थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स वहाँ पे थे, काफ़ी ग्रीनरी थी, और देख के बहुत अच्छा लगता था, जब हम लोग बैठते थे और बालकनी का व्यू लेते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो वही मैं सोच रही हूँ दोबारा से स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी टाइम भी आ चुका है, मार्च का महीना ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाला है, तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि फिर से गार्डनिंग शुरू करूँ। कुछ कुछ मैं यहाँ पे किचन गार्डनिंग भी करती हूँ, जैसे कि अभी बालकनी में धूप भी आ रही है, और बड़ी वाली बालकनी में थोड़ा सा लेट धूप आती है, लेकिन साइड में जिस कॉर्नर में मैंने गमले रखे हुए हैं वहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है। तो किचन गार्डनिंग भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, वो डिटेल में मैं आपको बताऊँगी, और जैसे जैसे मैं गार्डनिंग शुरू करूँगी मैं आपको अपडेट देते रहूँगी कि मैंने क्या क्या लगाया है। तो अभी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वो जल्दी ही ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी और जल्दी ही ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप भी देख लीजिएगा और उसका कंटिन्यूस अपडेट भी रहेगा। ऐसा भी श्योर नहीं है कि जो मैं लगाती हूँ वो 100% होता ही है किचन गार्डन में, क्योंकि फ्लैट्स में यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग गमले में सोचते हैं कि हम लोग वेजिटेबल्स लगाएं अपने हाथ से और फिर हार्वेस्ट करें, तो उतना नहीं हो पाता है जितना कि ज़मीन में होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी उसमें हम लोग हार्वेस्ट कर पाएं, थोड़ा बहुत जो भी होता है अच्छा ही लगता है अपने हाथ के लगाए हुए प्लांट्स या वेजीज, तो मैं वो एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, इसमें आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं आगे भी, और बने रहेगा हमारे साथ।